और दुग्ध सहकारी समिति आखिर क्या कार्य करती है, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। बेसिकली मैं किसान परिवार से हूँ, किसान ही हूँ जी। और किसान के पास में या तो खेती की उपज होती है या दूध का उत्पादन होता है, ये दो उत्पाद ही उसके होते हैं जो कि मार्केट में सरप्लस होते हैं और वो उसको देता है जी। और जब मैं पढ़ती थी और स्कूल में से छुट्टियां होती थी, जब मैं गाँव जाकर वापस आती या जाती थी जी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि किसान कम्युनिटी के साथ में, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो बस में सफर कर रहा है तो भी उसके साथ में कंडक्टर भी वैसे ही ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि वो उसके सिर पे साफा है और उसकी वेशभूषा किसान की है। और यदि जेंटलमैन की तरह कोई आदमी बस में बैठा है तो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट या टिकट लेने का तरीका दूसरा होता था। तो उस टाइम पे जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ती थी, तभी मेरे मन में यह विचार आया कि ईश्वर ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं समाज सेवा में जाकर इस किसान वर्ग के लिए कुछ काम करूंगी। और इस बात की मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मुझे एक डेयरी की चेयरमैन के रूप में किसानों के बीच में काम करने का अवसर दिया। पिछले 13 साल से मैं किसानों के बीच में काम कर रही हूँ डेयरी की चेयरमैन के रूप में। और मैं ये मानती हूँ कि किसान वास्तव में, उसके लिए कहावत है कि खरा कमाता और खोटा खाता है, वही स्थिति उसके साथ है। तो मैंने पिछले 13 सालों में डेयरी के माध्यम से प्रयास किया कि किसानों को दूध की अच्छी से अच्छी प्राइस उनको दी जाए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजना संघ के माध्यम से हम लोग चला सकते हैं उदयपुर डेयरी के माध्यम से, चाहे उनके बीमारी की हो, चाहे उनके बच्चों को एजुकेशन स्कॉलरशिप के रूप में हो, चाहे महिलाओं के लिए कोई स्कीम हो, महिलाओं की मेंबरशिप से रिलेटेड हो, और भी बच्चियों के जन्म पर भी ऐसी सरस लाडली योजना 5,500 की एफडी वगैरह हम लोग करा के हमारे किसान परिवार के भाई लोगों को देते हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी के पीछे मेरा एस्पेक्ट ये है कि उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना, सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना, ताकि कि किसान मुख्य धारा में अपनी भूमिका निभा पाए और आर्थिक स्तर उनका उठे, ताकि बच्चों की एजुकेशन भी वो अच्छे तरीके से करा सके। और बच्चों की एजुकेशन के साथ ही मैं मानती हूँ कि उनका आर्थिक स्तर अपने आप ही उठ जाता है। इस दिशा में मैंने महिलाओं को भी एजुकेट करने का काम किया, कई तरह के सोशल अवेयरनेस कैंप हम लोग चलाते हैं। डेयरी का जब हमारा बोनस वितरण का कार्यक्रम होता है तब भी हम, मैं महिलाओं, इसलिए सहज रूप से महिलाओं का आकर्षण होता है कि गीता जी आ रही हैं तो उस कार्यक्रम में हमको जाना है, तो उस कार्यक्रम में जितनी संख्या पुरुष की होती है उससे डबल महिलाओं की संख्या होती है, और वो सिर्फ यही देखने आती है कि गीता जी क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, क्या काम करती हैं, वो हम उनके मुँह से सुनना चाहते हैं। तो मुझे ये इस सेक्टर में काम करने का जो अवसर मिला है, तो महिलाओं में भी एक जागृति आई है, वो नहीं पढ़ पाई परंतु वो अपने बच्चों को और अपने पोते पोतियों को तो इतना अच्छा एजुकेट करना चाहती, उनके मन में ये भाव है कि शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि पहले ये भाव हुआ करता था कि हम लोग तो ठीक है खेती करने वाले हैं, हल चलाने वाले हैं, खेत और पाली पशु हमारा यही धन है, परंतु आज उनके मन में ये विचार बदला है कि खेती के साथ साथ में जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं होता, तब तक वो विकास की मुख्यधारा में नहीं आ सकता, और ये प्रयास मैंने उदयपुर डेयरी के माध्यम से किया। आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं दीदी जी, तो आपको ये बताएं कि महिला अगर स्थानीय लेवल पे या गांव लेवल पे अगर डेयरी का काम शुरू करती हैं तो वो सहकारी समिति से कैसे जुड़ती हैं, वो थोड़ा सा। स्थानीय लेवल पे मैंने ये प्रयास किया कि पहले हमारे उदयपुर दूध संघ में सिर्फ 44 महिला सोसाइटी थी, उसको मैंने 218 महिला सोसाइटी बनवाई है, और अब हमने एक रेजोल्यूशन लिया है कि कोई भी पुरुष सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी, टोटल महिला सोसाइटी ही रजिस्टर्ड होगी। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि महिलाओं को हम लोग कितना ऊपर उठाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। और उसमें हमने ये भी कोशिश की कि सोसाइटी की जो सेक्रेटरी होगी वो महिला कम से कम 8वीं पढ़ी लिखी हो, ताकि उसको हिसाब किताब में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। यदि वो अनपढ़ है तो लीडरशिप की कैपेसिटी उसमें हो सकती है, परंतु जब तक वो अपने बिल, कैश बुक, वाउचर ये सारे और अपना मासिक जो 15 दिन में हमारा दूध का पेमेंट का जो बिल बनता है उसको वो खुद नहीं कर पाए, तो उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो हमने ऐसी महिलाओं को ही सिलेक्शन किया है जो कम से कम 8वीं या 10वीं पढ़ी लिखी हो, वो सोसाइटी की सेक्रेटरी के रूप में महिलाओं के साथ में बैठकर बातचीत भी करती है, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी वो चलाती है, अल्प बचत समूह भी उन्होंने चला रखे हैं, और उसके माध्यम से महिलाओं को लगता है कि हम गाँवों में बैठे हुए सिर्फ खेती बाड़ी और आसपास में जो 1-2 घंटे का सरप्लस समय मिलता है उसको इन कामों में इन्वॉल्व करती, ताकि परिवार का इस खेती के अलावा भी आर्थिक रूप से अर्निंग का एक सोर्स जनरेट होता है। समिति पर हमारी जो बहनें होती है, कहीं 3 लीटर दूध वाली है, कोई महीने बहने 10 लीटर दूध वाली है, तो पहले जो मार्केट में स्थिति थी कि प्राइवेट वाला दूध लेकर जाता था, तो किसी किसी गांव में सोसाइटी नहीं होती थी, तो हम लोगों ने अप्रोच किया, कुछ बहनों ने भी हमसे अप्रोच किया कि हमारे को एक परमानेंट मार्केट चाहिए जो कि हमारे गांव में ही उपलब्ध हो, क्योंकि सोसाइटी पे दूध के लिए 365 दिन हमारी सोसाइटी खुली रहती है। पेमेंट का सिस्टम ये है कि 15 दिन में उनको पेमेंट मिल जाता है, तो 1 महीने में 2 बार पेमेंट से फसल तो हमारी 4 महीने में आती है, उसमें भी प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहती है कि बारिश अच्छी होगी तो अच्छी फसल होगी,
सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो गई, तो ये प्रकृति आधारित चीज नहीं है। ये दूध का ऐसा व्यवसाय है कि उसमें 15 दिन में जो पेमेंट आता है उनसे उनके रोजमर्रा के खर्चे, छोटे मोटे बच्चों के खर्चे और भी पारिवारिक कहीं भी खर्चे होते हैं तो वो पूरे मीट आउट हो जाते हैं। बहनें दूध देती हैं और वो ये दूध देने के बाद में निश्चिंत हो जाती है कि 15 दिन बाद हमारा पेमेंट आ जाएगा। यदि एक बहन हमारे यहाँ पर 30 दिन लगातार दूध देती है और उसके बाद में 6 महीने बाद में हम उसकी मेंबरशिप करते हैं, मेंबरशिप के बाद में वो जब तक दूध देगी वो आजीवन मेंबर रहेगी। और हमने एक योजना और कर रखी कि महिलाओं को यदि हम मेंबर बनाते हैं तो उसकी मेंबरशिप हमने फ्री कर रखी है, पुरुष यदि मेंबर बनता है तो उसको मेंबरशिप फीस देनी होगी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब मैंने 13 साल पहले डेयरी में ज्वाइन किया था फर्स्ट बार चेयरमैन में, तब हमारे पास 2300 महिला मेंबर